स्वागत है आपका मेरे चैनल शेल्टन ग्राफिक जोन में। मैं सुहेल अहमद लेकर आ गया हूँ एक और अमेजिंग क्लास, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप के बारे में। फोटोशॉप का, जैसे कि आपको पता है, लास्ट टू वीडियो हमारी फोटोशॉप के रही है। फोटोशॉप के बारे में हमने सबसे पहले फोटोशॉप के बारे में जाना कि फोटोशॉप क्या क्या काम वर्क करता है और किस बेस पर वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने जाना कि फोटोशॉप का इंटरफेस किस तरह से उसका होता है और किस तरह से हम उसको कस्टमाइज अपना बना सकते हैं। और आज हम और जो जानने वाले हैं फाइल मेन्यू के बारे में। पहली वीडियो हमने न्यू फाइल के लिए हमने जाना था कि न्यू फाइल को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से न्यू फाइल को लेते हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए एक पेज यहाँ पर बना लेता हूँ। ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले, और अब हम बात करेंगे आगे के बारे में। ओपन ओपन एज और ये ब्राउजिंग ब्रिज, इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता है और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन के बारे में। ओपन क्या है? ओपन की शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ, और कंट्रोल ओ और ओपन का जो यूज होता है वो हमारी जो ऑलरेडी फाइल बनी हुई होती है फोटोशॉप में उसको ओपन करने के लिए यहाँ पर यूज होता है। यहाँ पर कंट्रोल ओ कीबोर्ड से जब प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपके पास डायलॉग बॉक्स खोल कर आ जाएगा, और यहाँ पर आपकी अगर कोई फोटोशॉप की फाइल यहाँ पर बनी होगी, जैसे कि मैं यहाँ पर जाऊँ और मेरा फोल्डर यहाँ पर ये है, तो ये सब जितनी भी यहाँ पर फोटोशॉप की फाइल रहेंगी ये यहाँ पर सब खुल कर आ जाएंगी। यहाँ से आप अपना कोई भी फाइल जो आप चूज करेंगे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर आप उसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं उसको। यहाँ पर जैसे कि अगर आप देखेंगे काफ़ी सारी फाइल यहाँ पर मैंने बनाई हुई है, तो यहाँ पर मैं कोई भी एक डिज़ाइन कोई भी एक फाइल यहाँ पर खोल लेता हूँ, जैसा कि ये फाइल मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्राउज एंड ब्रिज। इसके बारे में प्रॉपर एक पूरी क्लास बनाएंगे। ये फोटोशॉप में ही एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है, इसके बारे में पूरी एक ही क्लास में बात करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे आप ओपन एज, ओपन एज क्या है? ओपन एज के बारे में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जब आप ओपन एज करते हैं तो आप कोई भी फाइल को यहाँ पर खोल सकते हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे PNG, आप अगर कोई खोलना है तो यहाँ पर PNG आपको सिलेक्ट करनी होगी, और यहाँ पर भी फाइल आपको PNG ही खोलनी होगी। जैसे डेस्कटॉप पर हम जाएंगे, ये यहाँ पर PNG पड़ी हुई है, PNG हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली, और ये PNG अगर हम बात करें तो इस तरह से यहाँ पर ये खुलकर आपकी PNG यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। और अगर इसी तरह से आप ओपन एज की बात करें, ओपन एज अगर आप कर रहे हैं यहाँ पर, अगर फोटोशॉप की अगर आप कर देते हैं PDF यहाँ पर अगर आप कर देते हैं, ये यहाँ पर आप देखेंगे फोटोशॉप PDF, यहाँ पर अगर आप फोटोशॉप PDF कर देते हैं, कोई PDF अगर आपके यहाँ पर होगी तो वो यहाँ पर आप खोल सकते हैं। जैसे कि ये PDF यहाँ पर पड़ी हुई है, यही मैं एक इसको ही ले लेता हूँ। यहाँ पर ओपन करने के बाद देखेंगे आप यहाँ पर हमारे ये काफ़ी सारे पेजेस में थे PDF में, तो जितने भी पेज यहाँ पर होंगे वो यहाँ पर शो करने लगेंगे, और आपको जो पेज यहाँ पर PDF का कॉलना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी कॉलना है यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से अपना रिजोल्यूशन क्या रखना है उसका उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप, और बाकी कुछ यहाँ पर नहीं छेड़ेंगे और यहाँ पर ओके आप प्रेस करेंगे, तो इस तरह से आपके पास ये खुलकर यहाँ पर आ जाएगी PDF इस तरह से। तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम जब कोई दूसरा कोई वर्क करेंगे, कोई डिज़ाइन बनाएंगे फोटोशॉप में, तो तब हम इसके बारे में पूरी तरह से समझाएंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है और ओपन स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो भी हम सभी बता देंगे। और अभी अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो ओपन रिसेंट यहाँ पर आ रहा है। ओपन रिसेंट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर 19 फाइल यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपको, 0 से लेकर 19, यानी कि 20 फाइल यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये क्या है कि अगर जैसे कि हमने हाल ही में कोई फाइल पर वर्क किया है तो वो यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर आपको दिखेगी। और ये देखेंगे आप विजुअल एड डिज़ाइन, ये हमने अभी यहाँ पर ओपन की हुई है PDF की फाइल जो थी हमने यहाँ पर ये ओपन की थी। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो भी हमने फाइलें खोली हुई हैं, जैसे कि हमने वीडियो स्टार्ट करते ही ये वाली फाइल यहाँ पर ओपन की थी, आप देख सकते हैं ये वाली फाइल हमने यहाँ पर ओपन की थी। तो इस तरह से जो जो फाइलें हमारी सेव हैं और वो हमने ओपन की हुई है, तो
एक कर कर ऊपर आती जाएगी, जो हम खोलेंगे वो सबसे ऊपर यहाँ पर रहेगी। जैसे कि अगर अभी मैं कोई फाइल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, सपोज कि ये फाइल यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ, ये फाइल मैंने ओपन कर ली है, तो अभी अगर आप देखेंगे ओपन रिसेंट में यहाँ पर सबसे ऊपर यही फाइल यहाँ पर आ जाएगी, 200 ml बोतल वाली। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट इसका क्या है, जैसे कि हमने कोई फाइल बनाई और हमने उसको सेव कर दिया और हमको उसकी लोकेशन पता नहीं है कहाँ पर हमने उसे सेव की है, तो उसको ढूंढने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आप यहाँ हाल ही में कोई बनाई है और सेव कर कर भूल गए हैं, तो यहाँ पर आप जाएंगे ओपन रिसेंट में और यहाँ से वो आप अपनी फाइल को देख सकते हैं कि आपने किस नाम से सेव की थी और वो कहाँ पर आपकी सेव हुई है, इस तरह से आपको यहाँ से पता चल सकता है। तो गाइज, क्लास को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अभी यहीं पर इसको कंप्लीट करते हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे फाइल मैनिंग को। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।